बुल्ली बाई ऐप बनाने वाला चढ़ा दिल्ली पुलिस के हत्थे। असम से गिरफ्तार अभिनेत्री ने दिया बड़ा बयान। दिल्ली पुलिस की IFSO स्पेशल सेल का दावा है कि उसने विवादित बुल्ली बाई ऐप मामले में मुख्य आरोपी को असम से गिरफ्तार कर लिया है। अमर उजाला में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस यूनिट ने बताया है कि उसने मुख्य साजिशकर्ता और गिटहब पर बुल्ली बाई ऐप बनाने वाले और बुल्ली बाई का मुख्य ट्विटर हैंडल संभालने वाले शख्स को असम से गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान नीरज बिश्नोई उम्र 21 वर्ष के रूप में हुई है। आरोपी नीरज दिगंबर जोरहाट असम का रहने वाला है। नीरज ने वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल से बीटेक द्वितीय वर्ष यानी कंप्यूटर साइंस तक की पढ़ाई की है। IFSO की टीम आरोपी को लेकर दोपहर दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचेगी, जिसके बाद इस मामले में ज्यादा जानकारी मिलने की संभावना है। सोशल मीडिया पर भी इस खबर के आने के बाद लगातार लोगों के रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं। श्रीराग नाम के यूजर लिखते हैं, गलती इनकी नहीं है, सारी गलती इनके माँ बाप की है। द रेंटिंग गोला नाम के यूजर ने लिखा, श्वेता सिंह, कपिल गुज्जर, राम भक्त गोपाल, कोमल शर्मा को बच्चा बताया जा रहा है तो हम समाज के रूप में असफल हो चुके हैं। बुल्ली बाई कोई बच्चों का काम नहीं है। अभिनेत्री स्वरा भास्कर लिखती है, 21 साल के एक और युवक की गिरफ्तारी हुई है। अब तक इसमें 4 नौजवान छात्रों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इन ट्रेडिशनल्स को ये अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि राजनीति से प्रभावित नफरत इन्हें जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा देगी और उनके राजनेता अपने बच्चों का भविष्य विदेश की महंगी डिग्रियों से चमका रहे हैं। अभिनेत्री स्वरा भास्कर के बयान की सराहना करते हुए RJ साइमा लिखती है, बहुत अच्छी बात कही स्वरा। आपकी क्या राय है इस खबर को देखने के बाद हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की हर जरूरी खबर आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।